two polaroids cross each other. One of them is rotated through 60 degree. हो भी सकती है आपके objective subjective booklet में हो सकती है 139. तो दो polaroids एक दूसरे को cross कर रहे हैं. Cross करने का मतलब they are at an angle of 90. ठीक है. तो दो polaroids के बीच में एंगल कितना है 90. ये 90 है. ठीक हो गया. वो कह रहे हैं कि ये बताओ what percent of incident unpolarized light will pass through the system. ये polarizer है, ये analyzer है, angle 90. तो यहां से I not light आई. तो अब क्या किया इसमें, यहां पर इनके बीच में एंगल 90 है, मैंने कितना घुमा दिया, वन ऑफ देम इज रोटेटेड टू 60, इसको 60 घुमा दिया, तो इनके बीच में एंगल कितना रह गया 30. पहले 90 था, 60 घुमा दिया, एंगल कितना है 30. तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, जब पहला अनपोलराइज लाइट आएगी वो आई नॉट की आई थी, और पहले पोलराइजर में से पास करके लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या हो जाती है आई नॉट बाई टू हो जाती है. ये किया हमने. फिर अगले पोलराइजर में से पास करने में क्या लगेगा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30, क्योंकि एंगल उनके बीच में कितना बच गया 30. तो ये फाइनल लाइट आई थी आई नॉट, बाहर कितनी निकली इतनी निकली, परसेंटेज कितनी हुई आई डैश जो बाहर निकली जो ओरिजिनल थी इनटू 100, तो बाहर कितनी निकली इतनी निकली बाय आई नॉट इनटू 100, तो 37.5% बाहर आई. मेन है लॉ ऑफ मेलस लगाना आ रहा है, पहले आई नॉट, फिर आई नॉट बाई टू, फिर आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 30. जैसे क्वेश्चन है टू पोलराइड्स आर अलाइंड सो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ देम इज मैक्सिमम. चलो ठीक है, लाइट मैक्सिमम है. थ्रू वॉट एंगल वन ऑफ देम शुड बी रोटेटेड. तो एक एक्सिस को कितना, पहले ऐसे है, पहले दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मैं कितना एंगल घुमाऊं, थीटा घुमाऊं, थीटा निकालना है, ताकि इंटेंसिटी कितनी हो जाए हाफ. तो मान लो आई नॉट इंटेंसिटी थी, अब बाहर आई निकलेगी, अगर मैंने थीटा घुमाया दोनों एक्सिस के बीच में, और फाइनल इंटेंसिटी मुझे क्या चाहिए आई नॉट बाई टू, आई नॉट से आई नॉट कैंसल, कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√2, तो एंगल क्या आएगा 45 या 135. आप 45 लिख सकते हैं, वैसे 135 भी हो सकते हैं, तो एंगल हो सकते हैं. क्या ये पॉइंट क्लियर है, कैसे सोचना है इसमें. जैसे क्वेश्चन है एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 45, पास एक्सिस बोलते हैं इसे. राइट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट, ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, एंड ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर. तो रूल वही है, पहले अनपोलराइज लाइट आई आई नॉट, बाहर कितनी गई पहले पोलराइजर में से आई नॉट बाई टू, फिर एनालाइजर में से कितनी बाहर जाएगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45. एक बार आई नॉट बाई टू, अनपोलराइज को पोलराइज बनाया, फिर उसके बाद थीटा एंगल से घुमाया, ये रहा रेशियो आ गई. पॉइंट समझ में आ रहा है लॉ ऑफ मेलस कैसे लगेगा. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये सेम है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत आता है मेंस में, नीट में, एनसीईआरटी में, स्टैंडर्ड यही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ऐसा है, थ्री पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट थर्ड पोलराइड इज क्रॉस्ड विद द फर्स्ट. ये एक पोलराइड है और ये लास्ट है, इनके बीच में एंगल क्या है 90. तो वो क्या कह रहे हैं, व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी 24 है फॉल्स ऑन फर्स्ट पोलराइड, फाइनल इंटेंसिटी 3 है, क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पोलराइड. मतलब पहला और तीसरा 90 डिग्री पे है, दूसरा कहीं बीच में है, दूसरा कहीं बीच में है, तो आपको दूसरे और तीसरे में एंगल बताना है कितना है. पहले और तीसरे में एंगल 90 है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा. पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, अगर ये थीटा है तो 90, मतलब पहले दूसरे में एंगल थीटा, दूसरे तीसरे में एंगल 90 माइनस थीटा. तो मैं इसको ऐसे बनाना सही समझूंगा कि जैसे सपोज इसको ऐसे सबसे बेस्ट है, ये मान लो आपका पहला पोलराइजर है एक, ये आपका तीसरा पोलराइजर है तीन, तीसरा ये रहा, दोनों के बीच में एंगल क्या लेंगे, दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना है 90, सही है. तीसरा पोलराइजर, जो तीसरा पोलराइजर है यहां बना लेते हैं ऐसे, मान लो ये तीसरा पोलराइजर है, ये इसका क्या है एक्सिस, सच दैट ये देखो तीसरा मैं बना रहा हूं, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, तो ये तीसरा एक्सिस मैं यहां बना रहा हूं, तीसरा पोलराइजर ये रहा, ये लो
ठीक है, तीसरा सच दैट पहले और दूसरे में एंगल क्या है थीटा, और दूसरे और तीसरे में एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, सही है। तो यहां से लाइट की इंटेंसिटी कितनी आई 24, और ये लाइट क्या थी अनपोलराइज्ड, सही है अनपोलराइज्ड। रूल नंबर वन, अनपोलराइज्ड सबसे पहले क्या बनेगी पोलराइज्ड, तो क्या बनेगा 24 डिवाइडेड बाय 2, इंटेंसिटी कितनी रह गई 12। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब ये पहले पोलराइज सेकंड में से पास करेगी तो बाहर कितनी निकलेगी 12 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या था थीटा, तो 12 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गई। नेक्स्ट, अब इसमें और इसमें एंगल 90 माइनस थीटा, तो अब फाइनल इंटेंसिटी बाहर कितनी निकलेगी 12 कॉस स्क्वायर थीटा के पीछे क्या लगेगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये स्टेप क्लियर है? एक बार और लॉ ऑफ मेलस, एक बार cos square theta, एक बार cos square 90 minus theta, ये step clear है? और question में given है कि final intensity light की जो बाहर निकल रही है वो 3 है, तो equal to 3, तो यहाँ से ये 1/4 या ये ऐसा हो जाएगा, ये cancel हो गया, ये क्या आ गया 4 into cos square theta into sin square cos of 90 minus theta is sin, तो 1 is equal to 2 sin theta cos theta का whole square, या 1 is equal to sin of 2 थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर यहां से गया तो क्या आ गया साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या 1, तो ऑब्वियसली ये 2 थीटा एंगल क्या होगा 90, तो थीटा एंगल क्या होगा 45। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे सोचना है? तो लॉ ऑफ मेलस दो बार कैसे लगाने, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें?